आगामी त्योहारों को देखते हुए एवं बालिका और महिला संबंधी अपराध रोकने के लिए उज्जैन पुलिस की चीता पार्टी बनाई गई है। शनिवार शाम को एसपी ने हरी झंडी दिखाकर चीता पार्टी को रवाना किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवरात्रि पर्व और त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने और बालिका एवं महिला संबंधी अपराध रोकने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर एसपी प्रदीप शर्मा ने 40 चीता पार्टी बनाई है, जो शहर में घूमकर गरबा पांडालों और मंदिरों पर नजर रखेगी एवं असामाजिक और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। परिवार के साथ पूरे टाइम भ्रमण पर रहती है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि नवरात्रि को देखते हुए आप सभी लोग एक्स्ट्रा सतर्क रहेंगे। खासकर महिला पुलिस को तैनात किया जाएगा, जो जगह जगह जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेगी और अगर उन्हें कोई ऐसा आदमी मिलता है जो असामाजिक या किसी प्रकार की कोई घटना कर सकता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेंगे। जेल वाहन भी चलेगा, ऐसे कोई संदेह मिलते हैं तो उस वाहन में बिठाते जाइएगा। सारी पार्टी बना के रखी जा रही है। सोच लो, मैं एक वैसे उदाहरण देता हूं कि जिस बदमाश को कोई घटना उज्जैन में नहीं होगी, क्या मैं इस विश्वास के साथ जाऊं, हाँ या ना? जोर से बोलो। ठीक। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार आगामी त्यौहार को देखते हुए, नवरात्रि और गरबा में भीड़भाड़ को देखते हुए, आज हमारे द्वारा करीब 40 चीता पार्टियां, जिसमें महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको रवाना किया गया है यहां से। उनको निर्देशित करके कि वो सभी गरबे और पंडालों और मंदिरों की व्यवस्था में लगातार रहेंगी, महिलाओं से बातचीत करेंगे। अगर उन्हें किसी प्रकार की किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है आते जाते वक्त, या उनको किसी असुरक्षा का भाव महसूस होता है, तो उसके संबंध में उनसे चर्चा करें और उसका त्वरित निराकरण करें। साथ ही गरबे और पंडालों के बाहर जो असामाजिक तत्व या लड़के अगर इकट्ठे होते हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए, और जिस क्षेत्र में वो भ्रमण कर रहे हैं उस क्षेत्र में अगर पुराने किसी प्रकार के कोई महिला संबंधी अपराध के अपराधी हैं तो उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए और उनको लगातार चेक किया जाए।